देखो, ये डॉक्टर होने के बाद भी ये आंदोलन करने की मुझे जरूरत ये इसलिए पड़ी क्योंकि आज आदिवासी समाज में हम देख रहे हैं नेतृत्व की दूर दूर तक हमको नेतृत्व की क्षमता नहीं दिखाई देती है और नेतृत्व की जो कमी महसूस हो रही है। तो हम जैसे जो पढ़े लिखे युवा है आज समाज में एक नया युवा नेतृत्व देना चाहते हैं। आज जो आदिवासी क्षेत्रों की जो मूल समस्याएं थी, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, आज भी गांव में बिजली नहीं है, आज भी गांव में सड़कें नहीं है, किसान आदिवासी भाइयों को सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है ना ही तालाब है, आज भी उनको गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन मूलभूत समस्याओं को जो हमारे समाज का लीडरशिप था जो विधानसभा और लोकसभा में गया वो कहीं दूर दूर तक उठाने में पूरी तरह नाकामयाब रहा। इसीलिए हम लोग जेएस के माध्यम से आज संसद घेराव कर रहे हैं। आज जो हमारी घेराव का उद्देश्य था आदिवासियों को उनको सुरक्षा दी जाए, संरक्षण किया जाए और उनका विकास किया जाए, उसके लिए संविधान ने 5वीं अनुसूची बनाई थी। लेकिन देश में आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रति कोई भी गंभीर नहीं हुई। पर आज स्थिति यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी न तो 5वीं अनुसूची लागू हुई है धरातल पर, न पैसा कानून लागू हुआ है, न वन अधिकार कानून का फायदा, वन अधिकार कानून 2006 का फायदा देश के आदिवासियों को मिल रहा है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर अभी एक 21 तारीख को एक जजमेंट पास हुआ है जिसे दलित उत्पीड़न निवारक एक जो धारा थी उस संबंध में आप क्या कहेंगे? जो SC ST एक्ट 1989 जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बदलाव किया गया है, जयस इस बदलाव को बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहता है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस एक्ट को और भी मजबूत बनाने के लिए आप पार्लियामेंट में विधेयक लेके आइए और इस एक्ट को और मजबूती बनाने की दिशा में काम करें। हमारी यही मांग है सरकार से। डॉक्टर साहब अभी आपने बहुत अच्छी हुई कि हम इसको नहीं मानना, पूरा देश नहीं मानना। डॉक्टर साहब आपको पता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो अनपढ़ थे, उनका पैसा नहीं था, लेकिन जब आप लोग हम लोग बताते थे कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है और उसके अंदर हमारी महिलाओं का बचाव लिखा है, हमारा बचाव लिखा है, उनको सिर्फ इतना ही मालूम था, इससे ज़्यादा नहीं मालूम था ना जी। लेकिन उस समय जब कभी संविधान की बात आती थी, धारा चेंज करने की बात आती थी, हमारे बुजुर्ग यही कहते थे कि जो संविधान को देखेगा उसकी आँख निकाल लेंगे, जो संविधान को टच करेगा उसकी उंगली तोड़ देंगे। और बाबा साहब ने एक और कहा था कि इस समाज के अंदर अगर 20 डॉक्टर, 20 वकील, 20 इंजीनियर अगर पैदा हो जाएंगे तो इस संविधान को कोई टच नहीं करेगा। लेकिन आज तो लाखों डॉक्टर हैं, आप भी उसी कैटेगरी में, तो आज संविधान की धाराओं को चेंज किया जा रहा है। देखो, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है, सबसे मजबूत संविधान है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश के शासनकर्ताओं का रहा है कि इस सबसे सुंदर ग्रंथ को, इस भारत के संविधान को ये पूरी तरह धरातल पर लागू करने में नाकामयाब रहे। चाहे कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, भारत के संविधान का खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में ये उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। हम चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी चाहती है कि अब ये समाज में भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए जो पढ़े लिखे नए युवा मैदान में उतरे, ये हमारे जैसे सभी युवाओं की जिम्मेदारी, इस देश के प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखना है तो भारत के संविधान की रक्षा हम सबको मिलकर करना पड़ेगी। भारत का संविधान किसी एक जाति और समुदाय के लिए नहीं है, यह संविधान भारत में हजारों जातियों के लिए, भारत की सभी धर्मों के लिए। तो हम इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस संविधान की हम सब मिलकर रक्षा करें और इस लोकतंत्र को बनाए रखने में, इस देश को सुंदर बनाए रखने में हम सहयोग करें। जो बहुजन समाज या जो बाबा साहब के संविधान को पढ़कर जो यहाँ डॉक्टर बने हैं रिजर्वेशन के तहत, आप उन डॉक्टरों को क्या कहना चाहते हो? मैं देश के उन सभी डॉक्टरों से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने समाज में
समाज के नाम पे आरक्षण लिया है और आरक्षण से आप डॉक्टर्स बने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज की तरफ, अपने गांव की तरफ पीछे मुड़ के देखें। आपने समाज के नाम से आपने अगर आज वो पद हासिल किया तो आज बड़े शहरों में है, तो आप अपने गांव की तरफ, अपने समाज की तरफ, अपने कम्युनिटी की तरफ मुड़ के देखें और उनका सहयोग करिए। जैसे आज मैं एक डॉक्टर होते हुए भी दिल्ली एम्स को छोड़ के अपने गाँव की तरफ गया, तो मेरा देश के सभी डॉक्टर्स कम्युनिटी से या देश के सभी उन आरक्षण का फायदा लेने वाले अधिकारियों से मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस संविधान को लागू करवाने के लिए, हमारे देश के विकास के आखिर पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए आप सब मिलकर सहभागी बनें।